फाइल्स में इंपोर्ट करूंगा, वो मेरी इधर जमा होंगी सारी फाइल्स, चाहे वो ऑडियो सोर्स हो, वीडियो सोर्स हो, या कोई रॉ फुटेज हो। ठीक फर्ज है, करो मैंने यहाँ से इसको ड्रैग करा है, अब मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, और मैं वापस ऊपर वो ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बार बार मुझे इस ट्रांजेक्शन को नहीं बनाना पड़े, तो मैं इसे सेव एज अ प्रीसेट कर लूंगा, जो यहाँ मेरे इंपोर्ट हो जाएगा प्रीमियर के अंदर। एक डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन जो हमारे प्रीमियर में होती है, मैं इन दोनों टाइमलाइंस के बीच में जाऊंगा, जो कट है मेरा स्प्लिट है उसके बीच में जाऊंगा, तो आप देखो मैं कर्सर थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। प्रॉपर लॉग फुटेजेस पे काम करेंगे। लास्ट टाइम जो थी वो रेफरेंस लॉग फुटेजेस थी, इस बार मैंने प्रॉपर डायनेमिक कैमरा, जो हमारा A73 है हमारे पास, उसी कैमरा की डायनेमिक रेंज की फुटेजेस है। सेम कैमरा की फुटेजेस यूज करूंगा मैं, डिफरेंस ये होगा उस कैमरा की, जो हमारे पास जो फुटेजेस होंगी वो हाई डायनेमिक रेंज रेंज पर से होंगी, करेक्शन और करना हम चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो ये करूंगा, ल्यूमेट्रिक स्कोप में जाऊंगा, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और सारी एडिटिंग यहाँ पर होती है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास टाइमलाइन लाइक लेयर्स आती यहां हैं। से इस अपडेट नल है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, ओके, देन अप्लाई कर दूंगा अपनी वैल्यूज को उस नल ऑब्जेक्ट पे। तो बेसिकली अब मेरी ट्रैकिंग की जो भी वैल्यूज जनरेट हुई थी वो नल ऑब्जेक्ट पे मेरी शिफ्ट हो गई, यानी अब नल ये ऑब्जेक्ट लाइक मेरी थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स मूव हो रहे हो, क्योंकि होलोग्राम है ना, पार्टिकल्स तो होंगे। सकता हूँ बेसिकली अपनी टाइमलाइन का, जैसे मार्क इन मार्क आउट होता है, वैसे इसमें बी और एन से मार्क इन मार्क आउट होता है, ट्रैक एन टाइप होल्ड है। करके ट्रैक टाइप में जाकर मैं पर्सपेक्टिव कॉन्ट पिन को सेलेक्ट करूंगा। मैं इसे क्लिक करूंगा, मुझे चार ट्रैकर्स मिल जाएंगे। मैं हमें ट्रैक कैमरा पे क्लिक करूंगा, देन टारगेट साइज में, सॉरी टारगेट साइज में नहीं, एडवांस में जाकर मैं डिटेल एनालिसिस को चेक कर दूंगा है नहीं इमेज में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इफेक्ट्स पैनल में जाऊंगा। इफेक्ट्स पैनल में जाने के बाद लाइक मैं सर्च करूंगा यहाँ पे अल्ट्रा की, जो मैं सर्च कर रहा था आफ्टर इफेक्ट्स में, बेसिकली प्रीमियर का टूल है। ठीक है, नेम हट गया, क्लीन हो गया मेरा वो एरिया। अब मैं कलर करेक्शन कर सकता हूँ, विंडोज पे वर्क स्पेस एंड कलर। अब यहाँ पर मैं इसके एक्सपोजर को करूंगा डाउन, और थोड़ा सा ऐसे मजेंडा की तरफ ले जाऊंगा। अब अगर मैं अपनी फुटेज को जूम करके देखूं, इतना मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पर एक, मेरे पास ये फ्रंट ट्रैकिंग करके एक बटन है, मैं उसे क्लिक कर दूंगा और ये मेरा पूरा ट्रैकिंग करके मुझे दे दे, ये वाला है, कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा स्केल अप कर लूंगा, ठीक है। अब मैं फोटो में जाके देखूंगा तो मेरी कॉम्पोजिशन ये वाली नहीं बदली, वरना ये बदल जाती है अगर मैं इसको रिप्लेस नहीं करता। इसको ये भी इम्पोर्ट सेम करेंगे, है, सॉलिड कंपोजिट को इम्पोर्ट करने के बाद जो कलर है उसको हम ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे, और हमारी कॉम्पोजिशन जो है ये, इसके मोड को हम स्क्रीन कर देंगे नॉर्मल से। इस फुटेज को सेलेक्ट करते हुए इसके ऊपर मैं एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा जो होता है की लाइट, बेसिकली मैं क्रोमा की करूंगा इसे। तो की लाइट को होल्ड करके मैं ग्रीन स्क्रीन वाली फुटेज पर ड्रॉप करूंगा, कॉम्पोजिशन वाली पे नहीं करूंगा। लोदार करके ये देख रहे आपको हो स्क्रीन पे, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, ये खुद ही थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, और ये ट्रैकिंग सर को खुद ही देख रही है।